हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुलाचंद दास स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ। आज 2 अक्टूबर है और आज गांधी जयंती है। आज के दिन ही महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। हम उन्हें बेहतर रूप में जानते हैं कि वे अंग्रेजों से हमारे देश को आज़ाद किए थे, इसीलिए वे हमारे देश के सबसे ग्रेट लीडर, सबसे महान लीडर हैं, सबसे महान व्यक्ति है। और इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं हमारे इंडियन करेंसी में, हम लोग देखते हैं कि उन्हीं का पिक्चर है। इसके पीछे कारण यही है कि वे हमारे देश के सबसे महान लीडर हैं। वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अहिंसा के पुजारी थे। ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि अहिंसा के पुजारी यहाँ पे कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी मारपीट, लड़ाई झगड़े, खून खराबे पर विश्वास नहीं करते थे। वे समझते थे कि अहिंसा से काम किया जा सकता है, और उन्होंने ऐसा प्रूफ करके दिखाया, ऐसा साबित करके दिखाया कि ऐसा होता है, और उन्होंने हमारे देश को आज़ाद किया। उनके साथ बहुत सारे लोग थे, लेकिन अहिंसा के पुजारी होने के कारण हमारे देश के कई ऐसे लीडर हैं जो उनसे खफा थे या उनके विचारों को नहीं मानते थे, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। ये सभी लोग गांधी जी के विचारों को नहीं मानते थे, उनके अहिंसावादी नीति को नहीं मानते थे। उन लोग अलग रास्ता अपनाए हुए थे। महात्मा गांधी की अहिंसावादी नीति को वो जो अपनाए थे, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन विचारों को नहीं मानते, उनको समझ नहीं पाते कि आखिर अहिंसावादी नीति किस प्रकार काम करेगी। और बहुत समय तक मैं खुद इस डाउट में था कि अहिंसा कैसे माना जा सकता है। कोई व्यक्ति मुझे आकर मारता है और मैं उसे कुछ नहीं करता हूँ, एक गाल में मारता है, दूसरा गाल में सामने कर देता हूँ कि फिर मारो इस पे। तो इस तरह की बातें मुझे भी समझ में नहीं आती थी। मैं लंबे समय तक यह सोचता रहा कि अहिंसावादी नीति को कैसे अपनाया जाए, आखिर वो क्या चीज़ बतलाना चाहता है। काफ़ी समय के बाद मुझे एक स्टोरी गांधी जी का मिला और उसे पढ़कर लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं जो जवाब मैं खोज रहा था वो यही चीज़ है और यही स्टोरी में मुझे मिल रहा है। तो आज उसी स्टोरी के बारे में बात करेंगे हम लोग। एक छोटी सी स्टोरी है, आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। तो आइए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। यह स्टोरी मैंने किसी बच्चे की किताब में पढ़ा था और लंबे समय तक मुझे लगा कि जब भी कोई स्टोरी मैं पढ़ता हूँ किसी के बुक में, तो वह स्टोरी फिर मुझे किसी क्लास में और आगे क्लास में मिल जाता है। लेकिन एक बार मैंने वो स्टोरी पढ़ा था और उसके बाद मुझे आज तक नहीं मिला। इसके अलावा मैं अपने कई जो मेरे साथ पढ़ाते हैं, जो टीचर हैं, उन लोगों से मैंने कभी भी वो स्टोरी नहीं सुना। उनसे मैंने बात किया लेकिन वो स्टोरी मुझे नहीं मिली। इसके अलावा मैंने यूट्यूब पे, इंटरनेट पे सर्च किया, वहाँ भी नहीं मिला। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो स्टोरी मुझे नहीं मिला है, लेकिन आप में से कुछ लोगों को पता होगा। आप लोग कहीं ना कहीं इस स्टोरी को जरूर पढ़े होंगे। तो ये स्टोरी क्या है, कुछ लड़कियां होती हैं, मान के चलिए कि 4-5 लड़कियां एक ग्रुप में होती है, और वो लड़कियां जब स्कूल जाती है उस वक्त रास्ते में कुछ लड़के होते हैं जो उन्हें छेड़ते रहते हैं। तो वो लड़कियां परेशान होके सोचती है कि क्या किया जाए, इन लोगों का क्या सोल्यूशन निकाला जाए कि ये लोग हम लोगों को परेशान ना करें। तो फिर उसमें से एक लड़की बोलती है कि चलो महात्मा गांधी जी के यहाँ उनके आश्रम में चलते हैं, बापू के आश्रम में, वह उन्हीं से कुछ ऐसा उपाय पूछेंगे, अहिंसा का रास्ता पूछेंगे, ताकि हमें उनसे लड़ना भी ना पड़े और हमारा काम भी हो जाए। तो वे लोग सभी चले जाते हैं, गांधी जी के आश्रम में चले जाते हैं। गांधी जी वहाँ मिलते तो नहीं हैं, लेकिन उनका कोई शिष्य, उनका कोई मित्र जो है वहाँ पे कुछ काम करते रहते हैं। गांधी जी के जो मित्र होते हैं वे उन लोगों की परेशानी को सुनते हैं और फिर वे जवाब देते हैं कि आप लोग चप्पल खोलो, सैंडल जो पहने हुए हो उसको खोलो और उन लोगों को पकड़ के धो दो। तो उन लोग आश्चर्यचकित हो जाता है कि हम लोग कोई अहिंसा का मार्ग पूछने आए थे, आप तो हिंसा का मार्ग बतला रहे हैं। तो ये बोलते हैं मेरे ख्याल से तो यही अहिंसा है, वे बोलते हैं। तो फिर लड़कियों को ये मतलब हजम नहीं होता, उन लोगों को यकीन नहीं होता है कि नहीं, ये रास्ता तो सही नहीं लग रहा है। वे बोलते हैं कि हमें तो गांधी जी से मिलना है। तो फिर वो बतला देते हैं कि वहाँ पे आगे चले जाओ, वहाँ पे आपको आप लोगों को गांधी जी मिल जाएंगे। वे लड़कियाँ गांधी जी के पास जाती हैं और उनसे बोलती हैं कि हमें ये परेशानी है, अपनी परेशानी बतलाती हैं और ये भी बतलाती है कि आपके मित्र जो वहाँ पे हैं उनसे पूछें हम लोग। तो
तो वे बोले कि सैंडल खोलो और उन लड़कों को धो दो। तो गांधी जी वहां पर सुनकर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं वे सही बोल रहे हैं, वे जो हमारे मित्र बोले वे सही बोल रहे हैं, एक्चुअली तुम लोगों को वही करना है, अगर वे लड़के छेड़ते हैं तो अपना सैंडल लो और उसको धो डालो। तो बोलते हैं आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप तो अहिंसा के पुजारी हैं। तो गांधी जी बतलाते हैं कि अहिंसा यही है जो धर्म का मार्ग है, उस पे अगर हम चलते हैं, उस पे चलते हुए अगर हिंसा भी करना पड़े तो वही अहिंसा है। तो ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली हम लोग अहिंसा को कायरता मान लेते हैं कि कोई मार दिया और हम चुप रह गए, ये अन्याय है अपने साथ। जिस प्रकार से जुल्म करना अन्याय है, उसी तरह से जुल्म सहना उससे बड़ा गुनाह। तो हमें अन्याय सहना नहीं है। तो इस कहानी को पढ़कर मेरा डाउट क्लियर हो गया कि धर्म की रक्षा के लिए या कोई भलाई के लिए, कुछ अच्छा काम के लिए अगर हम हिंसा का भी मार्ग अपना लेते हैं तो वो अहिंसा ही होता है। जैसे कि अपने देश को बचाने के लिए, सैनिक दूसरे की जान ले लेते हैं, निश्चित रूप से तो वो हिंसा है, लेकिन अपने देश को बचाने के लिए ये किया गया है, इसीलिए वो अहिंसा के पार्ट में आएगा। इससे पहले भी घटना घटी है, गांधी जी से पहले भी घटना घटी है, उससे पहले महाभारत रामायण ये जो है घट चुकी है। तो गांधी जी तो फिर भी एक मानव थे, लेकिन श्री कृष्ण और श्री राम वो तो भगवान थे, क्या वो अहिंसा को नहीं जानते थे? जरूर जानते होंगे, वे भगवान हैं तो। लेकिन फिर भी उन्होंने अर्जुन को गीता के ज्ञान में बतलाया कि युद्ध तुम्हारा धर्म है, तुम्हें युद्ध करना है। उसने तो नहीं कहा कि अहिंसा का मार्ग अपना लो, बल्कि वही अहिंसा है जो तुम करने जा रहे हो। अगर अगला व्यक्ति वो नहीं मान रहा है, इसका मतलब है वो युद्ध के लिए तैयार है, तो हम क्या करेंगे, हमें युद्ध ही करना होगा। और वही न्याय है, वही धर्म है और वही अहिंसा है। तो मैं समझता हूं कि अहिंसा के मामले में आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अहिंसा कायरता नहीं है, हमें उससे डरना नहीं है। कायरता जो कि डर के वजह से, कोई मजबूत आदमी अगर हमको आके मार देता है तो हम क्या कहेंगे, हम तुम अहिंसा के पुजारी हैं, हम उसको क्यों मारने जाएंगे, हम क्यों उससे झगड़ा करेंगे। ये अहिंसा नहीं है, ये कायरता है। लेकिन ये भी समझ लीजिए, कोई मजबूत आदमी अगर आपको मार देता है तो उससे अगर आप लड़ने जाएंगे तो निश्चित रूप से आप उससे हार जाएंगे। कहने का मतलब है आप उससे लड़ नहीं पाएंगे, तो फिर आप उससे लड़ेंगे कैसे? तो अगर आप लड़ने जाते हैं तो इसमें ये कहा गया है कि अगर आप किसी मजबूत आदमी से लड़ने जाते हैं तो वह आत्महत्या है, अगर क्योंकि आप उससे लड़ नहीं पाएंगे, उससे मार खाएंगे। तो लड़ने का ये तरीका नहीं है कि वो आदमी मार दिया, अब हम उससे लड़ नहीं सकते हैं तो उससे फिर भी लड़ने के लिए चले जाएंगे क्योंकि हम कायर नहीं है। तो ऐसा भी नहीं करना, कायर नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वहां जाके जान दे दें। करना ये है, हमारे देश में प्रशासन है, हमारे देश में कानून बना हुआ है, उससे हम फाइट करेंगे। लड़ने का अलग तरीका है, हम अगर उसको छोड़ देते हैं वैसी स्थिति में कायरता है। लेकिन हम अगर धर्म के मार्ग में हम सही हैं तो फिर उसको क्यों छोड़ देंगे? धर्म के लिए लड़ना वही अहिंसा है। मैं समझता हूं यह हिंसा की यही परिभाषा है। तो आप बहुत सारे लोग आज गांधी जी को कई बार गाली वगैरह भी देते हैं क्योंकि वो गांधी जी को समझ नहीं पाते, उनके विचारों को समझ नहीं पाते हैं। महावीर जैन भी अहिंसा परमो धर्म ये बतलाए हैं, तो क्या वो गलत है? निश्चित रूप से वो गलत नहीं है। तो गांधी जी के उनके विचार कितने ऊंचे थे इसके बारे में हम लोग समझ नहीं पाते हैं, या हमारे जैसे बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उनको आज गाली देते हैं, जो मन सो बोलते हैं। हमारी समझ उतनी है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि आप लोग अहिंसा के प्रति डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, और आप लोगों ने जो स्टोरी मैंने बतलाया संभवतः ज्यादातर लोगों ने नहीं सुना होगा, तो आज आप लोग इस स्टोरी को भी जान गए होंगे और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी चैप्टर में दिया हुआ है, आप लोगों को जरूर मिलेगा। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिलता है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह का वीडियो पाने के लिए। और अगली वीडियो में इसी तरह का कोई मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलेगी जो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होगी। और तब तक के लिए गुड बाय।